अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं करता हूँ ठीक होंगे और क्या यहाँ से होंगे। तो यार दोस्तों कबूतर छोड़ दिए हुए हैं। यार दोस्तों अब यूनाफोस को छोड़ते हैं। क्या यार दोस्तों यूनाफोस छोड़ दिए हैं और हमारे जो ये तोतों का यार पेयर है ना दोस्तों, इनका आपस में जोड़ा बन चुका है और ये जल्द से जल्द अंडे दे देंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों आज आपको एक सबसे मस्त चीज़ दिखानी है, ये देखिए हमारा ये पौधा। इस पौधे में ख़ास चीज़ ये है कि इसने फर्स्ट टाइम हमारे पास जब से ये आया हुआ है ना दोस्तों, इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फूल दिया है और इसकी उम्र तकरीबन 4 से 5 साल होनी है और इसने पहली दफ़ा ही फूल दिया है हमारे पास। ये जब से आया हुआ है ना उस टाइम से इसने फर्स्ट टाइम फूल दिया है और हमारे पास इसे आए काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। और दोस्तों ये केला फूल यहाँ नहीं उग रहा निकल रहा, और ये देखें यहाँ से भी जगह जगह से आ रहे हैं। और ये देखें यहाँ ऊपर से भी आ रहे हैं। और ये इंशाल्लाह ये सारा पौधा इन फूलों से भर जाएगा और कितना प्यारा लगेगा यार, जस्ट इमेजिन। दोस्तों हमारी जो नई यूनाफोस है वो इनके साथ अब बिल्कुल फ्रैंक हो गई हैं। और दोस्तों इनको हमारे यहाँ सेटअप की आदत भी डलती जा रही है क्योंकि अब भी है रात को खुद ही अपने केज के अंदर जाती हैं और आवाज़ देने पर आ भी जाती हैं। खैर दोस्तों अब चलते हैं मास्टर केज के अंदर और मुर्गियों को छोड़ते हैं क्योंकि अभी सुबह से मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, और चलते हैं मास्टर केज के अंदर। उससे पहले दोस्तों ये देखिए, कल मैंने सारा कबूतरों का केज साफ़ कर दिया था पानी से धोकर, और अब ये बहुत इनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी यहाँ जाने के लिए। यार एनीवेज अब चलते हैं मास्टर केज के अंदर। और यार दोस्तों मैं मास्टर केज में आ चुका हूँ और अब इनको छोड़ते हैं। और उससे पहले ये गंदा पानी गिरा देते हैं क्योंकि यही गंदा पानी पीकर आप बीमार हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले ये पानी गिराते हैं। और यार दोस्तों आज मास्टर केज के अंदर सबसे बड़ा काम करना है, वो बड़ा काम ये है कि हमने इन बच्चों वाली मुर्गी को और इन बच्चों समेत बाहर छोड़ना है यहाँ पर। और सबसे पहले छोड़ते हैं और इसको उतारते हैं। और दोस्तों फाइनली मैंने इनको बाहर छोड़ दिया और आज ये यहीं बाहर ही कहीं दाना खाएंगे और पानी पियेंगे। और उससे पहले मैंने ये देखें यहाँ से बंद कर लिया ताकि ये यहाँ से बाहर ना निकलें और कोई चूजा गायब भी ना हो जाए। और यार अब दोस्तों इनको बाजरा डालते हैं और बाजरा में कैसे पड़ा हुआ है इनका। दोस्तों देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यार दोस्तों मैं बाजरे में इनको ये दलिया डालता हूँ और ये भी आ जाएंगे। तो यार दोस्तों इनको ऐसे अचानक से बाइट छोड़ने का सर रीज़न क्या था वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने इनके केज की सफाई करनी थी तो इसलिए मैंने इनको आज बाइट छोड़ दिया है। क्योंकि यार इनका केज बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि इनमें से कोई बीमार हो, इसलिए मैंने सोचा सफाई कर देते हैं। यार दोस्तों इन्होंने तो 2 सेकंडों में सारा खा लिया और इनको और डालते हैं, सकते इनको ज़्यादा भूख थी। और दोस्तों अभी मैं बाहर आया तो चीज़ें देखे कितनी ही ज़्यादा आई हुई हैं, ये सारा यूनाफोस की वजह से आई हुई है इतनी ज़्यादा और बिल्कुल हमारे ऊपर है। दोस्तों देखें देखे यूनाफोस ये रही और वो देखे बिल्कुल हमारे ऊपर यार सर के, और कुछ चीज़ें तो यहाँ नीचे से होकर जा रही हैं और वो देखें यार। तो यार दोस्तों मैं थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता इसलिए इनको सबसे पहले काटता हूँ मैं यूनाफोस को। और इनको देखें कितने मस्त मोल होकर खेल रही हैं और इनको क्या पता इनके ऊपर इनकी मौत खेल रही है। तो यार दोस्तों इनके केश की तो सफाई हो गई है, अब इनको उतारते हैं। और तो यार दोस्तों इनको बंद कर दिया और इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया। मैं यहाँ से चूज़ा पकड़ने जाता था और वहाँ से मुर्गी मारने आ जाती थी और इतना बुरा मारती है यार मुर्गी। खैर दोस्तों आखिरकार मैं तार नहीं दी है और वो देखिए चीनी मुर्गी मैंने बाहर तार दी थी बंद कर दी थी और अब इसको फिलहाल वहीं रहने देते हैं, इनको छोड़ते हैं देसियों को। यार दोस्तों सील छोड़ दी है और अब देसियों को छोड़ते हैं।
और ये देसी खोल दिए यार। इनको छोड़ने के बाद अब इनको पानी डालते हैं, पानी नहीं है इनके पास। तो यार दोस्तों मैं पानी लेके आ चुका हूँ और अब इनको पानी डालते हैं। तो यार दोस्तों इनको पानी डाल दिया और ये मैंने दो दफ़ा पानी इनको डाला है और इसने दो दफ़ा रोड़ दिया, तीसरी बार ये इसको पानी डालेंगे। और अब बाहर से चीनी लेके मुर्गी लेके आते हैं और इसको यहाँ अंदर बंद कर देते हैं। ये देखें दोस्तों मैंने यहाँ चीनी मुर्गी को यहाँ बंद कर दिया था। तो यार इसको भी इधर बंद कर दिया और अब इसको पानी डालते हैं। और दोस्तों इसको अब पानी भी लगा दिया और अब भाई चलते हैं ग्रीन हाउस की तरफ और कबूतरों को दाना पानी डालते हैं। तो यार सबसे पहले ग्रीन हाउस को बंद करते हैं। यार दोस्तों अब ग्रीन हाउस को पानी डालते हैं और ये पानी गिरा देते हैं। यार इनको पानी लगा दिया और अब अपनी फिंचेस को देखते हैं। यार दोस्तों इनके पास दाना पानी है, यार इनके पास पानी भी है, दाना भी है और इनके पास भी है दोनों चीज़ें। तो यार दोस्तों ये देखिए हमारा शेरू वापस आ गया। वैसे इधर ही होता था, मैं आज मैं सोचा इसके वीडियो बना लूँ। वैसे मैं इसको रोज़ से यहाँ दूध डालता हूँ और आज मैं सोचा इसको वीडियो में डालता हूँ, इतने दिन हो गए इसको वीडियो में नहीं डाला। और ये देखिए इसके खाने के लिए मैंने कुछ लेके आता हूँ। यार मैं आज इसके लिए ये चाय लेके आया हूँ क्योंकि मुझे इसकी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, इसलिए इसको ये डालते हैं। और देखिए हम भूखा था इसकी, यार ये इसकी स्किन बड़ी मुलायम होती है। देखिए ये देखिए देखिए माशाल्लाह दोस्त, ये देखिए मुझसे खेलना चाह रहे ये। माशाल्लाह दोस्तों ये देखे खुश होता है, इस तरह इसको करो ना ये खुश बहुत ज़्यादा होता है। यार दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो, उम्मीद आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यार अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो यार दोस्तों इस वीडियो को करते हैं ये फ्रेंड, अल्लाह हाफिज। नहीं नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए।